I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place. Hello guys, you are most welcome my YouTube channel Talented with Twins. And guys, आज मैं आपको धोती सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी विद मोहरी. तो ये देखिए, जैसे कि मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये 2.5 मीटर के करीब है. तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्रायंगल शेप में इसको बिछा लेना है. उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके दो माप मैंने अभी फिलहाल लिए हैं. जैसे कि एक लेंथ है 38.5 इंच जो मैंने तैयार करनी है, और जो इसकी बेल्ट हम रखेंगे वो तैयार हम 23 रखेंगे. तो उसके बाद हम जैसे इसको एक बार ट्रायंगल शेप में बिछा लेते हैं. इस तरह से हमने एक बार ट्रायंगल शेप में इसको बिछा लेना है. ये मैंने ट्रायंगल शेप में अच्छे से इसको बिछा दिया है. अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे, जिसको हम बेल्ट में यूज करेंगे. ये मैंने इसको साइड से कट कर लिया है. अब हम इसकी लेंथ का माप लेंगे, और जो मैंने ट्रायंगल शेप किया था इसका जो ओपन हिस्सा है वो मैंने अपनी तरफ रखा है. तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ से हम 4 इंच माइनस करेंगे ऊपर से, जैसे नॉर्मल सलवार में करते हैं वैसे ही हम करेंगे. और यहाँ पर निशान लगाएंगे, यानी कि 38.5 की लेंथ थी, तो पूरे जितना हमारा तैयार होता है उतने पर ही मैंने निशान लगा लिया ऊपर 4 इंच माइनस करके. हमने अब मोहरी का माप लेना है. जैसे कि हमने मोहरी 6.5 इंच तैयार रखनी है. तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब आप ये निशान लगाते हो तो आपका तिरछा हो जाता है. उसका मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी कि कैसे हमने कट करना है. ये देखिए, जैसे कि हमारी लेंथ का जो निशान आया था यहाँ तक, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना. जो हमारा एक कॉर्नर है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इसके साथ ऐसे मिलाएंगे. ये हमने इस तरह से पकड़ा, और अब हम माप कर देखेंगे कि कितनी हमारी हुई है. तो ये हमारी जो इसकी लंबाई है वो 6 इंच बनी है. 6.5 इंच हमने मोहरी रखनी है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम मोहरी अच्छे से बना सकेंगे. तो ये हमारी बन नहीं पा रही है, तो हमने लेंथ भी इसके चक्कर में हमारी कम हो जाएगी. तो उसका आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे करना. सबसे पहले हम इसकी एक बार मोहरी का जो साइज है वो बढ़ा लेते हैं. जैसे कि यहां से हमने बढ़ाया इस तरह से, ये हमारा 7 इंच के करीब हो गया है यहां से इस तरह से. तो यहां पर हमने निशान लगा लेना है दोस्तों. ये 7 इंच पर यहां पर निशान लगाया, और इस पर भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, ताकि हमने यहां से इसको कट करना है. ये मैंने निशान लगाया, इसको हमने यहाँ से कट करना है. तो ये देखिए, मैंने ये जो निशान ऊपर की तरफ लगाया, इसका हमने जो डिस्टेंस हमारा कट होएगा ये कितना जाएगा, तो ये लगभग 1.25 के करीब हमारा ऊपर की तरफ हो गया. तो इसकी लेंथ हमारी कम हो जाएगी सलवार की. तो ऊपर से जैसे मैंने 4 इंच माइनस किया, तो ये हमारी 36 के करीब ही तैयार हो रही है. तो हमने इसमें क्या करना होगा, जो हम मोहरी तैयार करेंगे वो अलग से तैयार करेंगे दोस्तों. वो कैसे करेंगे, वो जैसे आप स्टिचिंग देखोगे आपको समझ आएगा. कई बार बोलते हो कि हमारी सलवार लंबी है और उसकी लेंथ इसमें बन नहीं पा रही है, तो उसके लिए यही तरीका है दोस्तों, और एकदम बेस्ट तरीका है. ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता और बहुत अच्छी फिनिशिंग से ये सलवार बनेगी. तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा. अब हम जैसे यहाँ से इसको कट कर लेते हैं एक बार. ये हमने यहाँ से इसको कट कर दिया है. ये अब हम आसन की कटिंग करेंगे. आसन की कटिंग हम किस तरह से करते हैं दोस्तों, जैसे कि हम हिप होती है हमारी, उसका तीसरा हिस्सा लेते हैं और उसमें 1 इंच प्लस करते हैं. जैसे कि हमने 4 इसकी हिप है 40 की, तो 40 हिप में हमने इसका तीसरा हिस्सा किया, यानी कि हो गई 13 इंच. तो 13 इंच में हमने 1 इंच और प्लस कर देना है, यानी कि हो गया 14 इंच. तो 14 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और जब ये निशान लगाए तो कैसे लगाते हैं, जैसे 4 इंच हमने ऊपर माइनस किया बेल्ट का, और 14 इंच पर निशान लगा देना है. अब यहाँ से भी हम माप कर देख सकते हैं कि हमारा कितना हुआ, इनके 10 इंच का हमारा आसन हो गया है. अब हम 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, और 2 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे. इसको हम सीधा इस तरह से मिला देंगे, और एक ये राउंड शेप दे देंगे क्रोच की.
यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा, वहां मोहरी पर भी हमने समझाया, वो भी समझ आ गया होगा। तो ये हमने दोनों चीज कट कर दी है। अब हम यहाँ से भी इसका, जैसे कि यहाँ से थोड़ा कट करेंगे, 2 इंच पर हमने निशान लगा लेना है इस तरह से, और हल्की सी राउंड शेप बाहर की तरफ देते हुए इस तरह से इसको भी कट कर देंगे। ये हमने इसको भी यहाँ से कट कर दिया है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी, उससे पहले हम एक बार आसन और कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा आसन भी कट हो गया, नीचे मोहरी कट हो गई और 2 इंच का हमने ये कट किया है। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। ये इसके जैसे कि दोनों आसन हो गए, एक ये है और एक उधर है, ये आसन हो गए, नीचे इसकी मोहरी हो गई, और जो ये ऊपर हमने चुन्नट डालेंगे उसकी, ये चुन्नट हो गई। जैसे कि एक बार फिर भी मैं आपको थोड़ी ही डाल के दिखाती हूँ। इसकी जो चुन्नट हम डालेंगे वो कुछ इस तरह से डालेंगे यहाँ से, यानी जो हमारा ये सेंटर का निशान है इससे, और इस तरह से हमने चुन्नटे डाल देंगे दोस्तों, और इधर से भी इधर की इसकी चुन्नटे डालेंगे, वहां हमारी मोहरी बनेगी। अब हम इसकी एक बार बेल्ट और कट कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक बार यहाँ से इसको, यहाँ से 7 इंच का निशान लगाया और इसको एक बार सीधा कर लेंगे। तो ये हम किस तरह से ओपन करके, एक बार मैं आपको बता दूंगी किस तरह से कट करते हैं। ये देखिए, जैसे कि हमने बेल्ट इस तरह से लेनी है, यानी कि जितना भी हिप होती है हमारी, हिप हो गई हमारी 14 इंच, यानी कि 40 इंच, उसमें उसका हम हाफ करेंगे, हिप का हाफ करके उसमें हम 3 इंच प्लस कर लेंगे, तो वो हो गया हमारा 23 इंच, 20 हाफ हो गया, उसमें 3 इंच प्लस किया तो 23 इंच हो गया। उसमें हम जैसे कि एक बार 23 इंच पर हमने निशान लगाया, यहाँ पर 1 इंच और हम एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ यहाँ से दबेगा और हाफ वहां से दबेगा, तो इसको भी हम एक बार यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये हमारी बेल्ट हो जाएगी इस तरह से, और ये हमारी जो धोती सलवार है मोहरी वाली वो हो जाएगी, उसमें हम मोहरी अलग से एक्स्ट्रा ज्वाइंट करेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक बार इसकी स्टिचिंग और दिखाती हूँ। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेल्ट को स्टिच कर लेंगे, दोनों तरफ से स्टिच करेंगे। ऊपर से हम नेफा तैयार कर लेंगे, जितना आप चाहते हो उतना नेफा तैयार कर लेना। और उसके बाद जैसे कि हमने उस जो हमारी कलिया हमने कट की थी उस पर चुन्नटे डालेंगे, तो हमने जैसे कि सिलाई लगाने के बाद ये हमारा 23 इंच बच जाएगा, तो 23 इंच पर ही हमने चुन्नटे डालनी है। इनके मैं जैसे बताना चाह रही हूँ वैसे बताती हूँ किस तरह से 23 इंच पर। ये देखिए, जैसे ये हमारा फैब्रिक है, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद हम इसकी जो चुन्नटे हैं वो इस तरह से डालेंगे, जैसे कि हमने इसकी तरफ फेस करना, जो हमने 2 इंच का कट लगाया था, यहाँ से ऐसे सारी चुन्नटे हमने डालते जाना है। ये हमारी लगभग 8 या 9 या 10 चुन्नटे, आप अपनी मर्जी के हिसाब से छोटी मोटी कैसे डालना चाहते हो वैसे डाल लेना। तो एक बार मैं आपको डालकर फिर दिखाती हूँ। ये हमारा आसन आ गया। सेम इसी तरीके से इस तरफ भी हम चुन्नटे डालेंगे, तो हमने दोनों तरफ चुन्नटे एक बार डाल लेनी है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने यहाँ तक इसको तैयार कर लिया है, दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है। तो ये हमने इसको इस तरह से बिछा लिया, नीचे हमारी मोहरी बनेगी और ऊपर हमने जो ये चुन्नटे ये डाल दिए दोस्तों। तो चुन्नटे हमने जितनी हमारी बेल्ट तैयार हुई है, यानी कि 23 इंच की, 23 इंच पर ही हमने चुन्नटे डाली है। ये चुन्नटे हमने कुछ इस तरह से डाली है, जैसे कि ये हमारा जो ज्वाइंट था 2 इंच का हमने कट किया था, वो उसमें बीच में ज्वाइंट लगा दिया है, और ज्वाइंट की तरफ ही हमने, यानी कि सीधी तरफ से अगर आप देखो तो ज्वाइंट की तरफ हमने चुन्नटों का फेस किया है। ये हमारे 10-11 चुन्नटे हैं, एक साइड 10-11 इधर है। तो ये हमने जैसे कि 23 इंच पर एक हिस्से की चुन्नटे डाली है इस तरह से, यानी कि 11.5 इधर, 11.5 इधर, और 11.5 नीचे वाले हिस्से पर, और 11.5 नीचे। ये हमने दोनों तरफ से आसन स्टिच कर दिए हैं। अब हम दोस्तों इसको जब स्टिच करेंगे तो जैसे कि इस तरह से करेंगे, ये हमने बेल्ट भी तैयार कर ली थी। अब हम बेल्ट के नीचे यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने ये कट लगाए हैं, यानी कि जो हमारा ये ज्वाइंट वाला हिस्सा है बेल्ट का, इसको हम आसन की तरफ रखेंगे इधर से, और इसको इधर से। अब जो हमने ये कट लगाए हैं, इस कट को हम
जो हमने 2 इंच का ज्वाइंट लगाया था उसके ऊपर से ऐसे स्टिच कर देना है पूरे को, जैसे कि इसको अंदर की तरफ हमने एक बार रखा और जो ये कट लगाया है इसको हम इसके साथ मिलाएंगे और इस कट को हम इस ज्वाइंट के साथ मिलाएंगे और जो हमारे आसन है इसके साथ हम इस ज्वाइंट को मिला देंगे और इसके साथ पूरे राउंड पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से तैयार हुई है हमारी। हमने यहाँ तक इस सलवार को तैयार कर लिया है, ये बहुत ही फिनिशिंग से बनी है हमारी। ऊपर मैंने बेल्ट ज्वाइंट कर दी है और इसके ऊपर मैंने ये एक एक सिलाई भी लगा दी है जो हम ये सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ से इस तरह से इसको मैंने तैयार किया, जैसे कि इसका साइड वाला हिस्सा है ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा साइड में ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसकी मोहरी तैयार करेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं इसमें इलास्टिक कैसे डालते हैं। ये देखिए, जैसे कि हम जो इसमें इलास्टिक डालेंगे वो कैसे डालते हैं, जैसे कि हमारी जो कमर होती है उसमें से हम 4 या 5 इंच माइनस करते हैं। इनके कमर हमारी 35 थी तो उसमें से मैंने 4 इंच माइनस किया है और ये 31 इंच का इलास्टिक मैंने लिया है। ऊपर से जो नेफा हमने तैयार किया था उसमें मैंने छोटा सा ये होल छोड़ा है, इसमें से हम अब सेफ्टी पिन की मदद से पूरे में इलास्टिक डाल देंगे और उसके ऊपर फिर सिलाई लगा देंगे। ये हमने इलास्टिक पूरे में डाल लिया है, अब हम इसको इस तरह से ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे पक्की। ये हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा ली थी, अब हम इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा होल हमने ओपन रखा था ये हमने इलास्टिक को एक बार अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद हम इस पर एक सिंगल सिलाई लगा देंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और पूरे राउंड पर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी सलवार ऊपर से यहाँ तक कंप्लीट हो गई है पूरी। अब हमने क्या करना है, इसकी जो मोहरी है वो तैयार करेंगे। तो मोहरी में मैंने बताया था कि ये हमारी इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है, तो इसकी लेंथ हम कैसे बढ़ाएंगे, जैसे कि ये हमने फोम ली है जो नीचे हम लगाएंगे। ये हमने जैसे कि ये कपड़ा लिया है, इसको हम सबसे पहले कैसे तैयार करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर जो हम प्लाजो पैंट की बेल्ट तैयार करते हैं सेम ऐसे ही हम तैयार करेंगे। एक सिलाई हमने यहाँ पर लगा लेनी है और उसके बाद एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये साइड में हमने 1/2 इंच फैब्रिक रखना है, तो सबसे पहले हम एक सिलाई यहाँ पर लगा लेते हैं एक पैर का मार्जिन रखते हुए। ये हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई और यहाँ पर लगा लेंगे। ये हमने दोनों तरफ इस तरह से पक्की सिलाई लगा ली है, ये एक साइड से ओपन छोड़ा हमने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा। अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे यहाँ से, ये हमने कट किया और अब हम इसके ऊपर एक चौक से निशान लगा देंगे या पेन के साथ है निशान लगा देंगे। ये इस तरह से हमने निशान लगाया, ये जैसे कि हमने जो नीचे की मोहरी का कट किया था वो हिस्सा उठाया, इसको हम दोनों तरफ से इक्वल रखते हुए ऐसे रखेंगे और जो हमने निशान लगाया है चौक का इसके ऊपर से ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये मैंने अपोजिट हिस्सा लिया है, यानी यहाँ से हमने पूरी सिलाई लगा लेनी है और ये जैसे कि मैंने रॉन्ग साइड ली है, अपोजिट हिस्सा है हमारा, तो उल्टी तरफ हमने इसको रखना है और सीधे तरफ हमने इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, जैसे पहले मैं एक बार ये सिलाई लगा लेती हूँ, जैसे कि हमने सिलाई लगा ली है, अब हमने क्या करना है इसको इस तरह से पलटेंगे, यानी कि ये ऐसे रखा और इसको सीधी तरफ इस तरह से किया। अब हमने जो ये फैब्रिक है इसको नीचे अंदर की तरफ करना है और इस तरह से एक पक्की सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है, यानी कि हमारी जो लेंथ थी वो भी बढ़ जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये जो मोहरी डिजाइन है बहुत ही सुंदर बनेगा, यानी कि 2.5 इंच के करीब हमारी 2 इंच के करीब लेंथ बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ पर एक पक्की सिलाई लगा देंगे इसको दबाते हुए। ये मैंने सिलाई लगा ली है इधर से, एक सिलाई हम इधर से लगा देंगे और फिर जो भी हमने डिजाइन इसमें बनाना है वो हम डिजाइन बनाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा अपोजिट हिस्सा है, इस तरह से दिखेगा, ये बहुत ही फिनिशिंग से तैयार होता है। उसके बाद हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा देंगे साइड वाली। एक बार मैं मोहरी डिजाइन बना लूं फिर मैं आपको कंप्लीट सलवार दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने सलवार की मोहरी तैयार कर ली है, ये कुछ इस तरह से बहुत ही सुंदर मोहरी बनी है। अब हम इसको इस तरह से जैसे कि ऐसे फोल्ड करेंगे और जितनी भी हमने मोहरी तैयार रखनी है, यानी कि मैंने 6.5 इंच तैयार रखनी है, यहाँ पर हमने निशान लगाया
और ऊपर से 7.5 इंच पर निशान लगाया। इसको हम इस तरह से निशान लगाते हुए पूरे पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारी सलवार बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और ये बहुत ही फिनिशिंग से बनी है। ये गितरी वाली सिलाई भी मैंने लगा ली है दोस्तों, तो ये देखिए बहुत ही दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। If it's controlling you